Hello everyone, my name is Muhammad Saqib Ali. You are watching me on my YouTube channel First Class. Today I am going to discuss about the gender. Tell me something about gender. Gender is a very important topic for grammar. आइए तो शुरू करते हैं. First of all, what is gender? The grammatically classification of sexes, sex is called gender. ग्रामेटिकली जो डिवीजन हो सके लिंग को उसे ही हम जेंडर कहते हैं. जैसे आप एनालॉजी वह शास्त्र है जिसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ते हैं. जेंडर और सेक्स उसे दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं. एक फर्स्ट इज जेंडर एंड अदर वन इज सेक्स. सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है? तो सेक्स और जेंडर में ये अंतर है कि ये सेक्स एक रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए काम करता है, बच्चा उत्पादन करने के लिए, और दूसरी ये फिजिकल रियलिटी को शो करता है, फिजिकल रियलिटी को शो करता है. और जेंडर जैसे किसी नॉन और रिलेटेड विथ डियर वर्ड्स. अब जेंडर और सेक्स को कैसे समझे? सिंपली जैसे एक माँ बाप सिर्फ बच्चा लड़का या लड़की पैदा कर सकता है, बीच वाला पैदा तो नहीं कर सकता है. इसलिए सेक्स में वो आ गया. अगर उसको अलग अलग डिनोट करें तो उसमें हम तीन तरीके से जेंडर में कर सकते हैं, यानी कि ये बीच वाला है. तो आइए बात करते हैं जेंडर की प्रकारों की. तो फोर काइंड्स ऑफ जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. तो सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है हम इसको जानेंगे. मैस्कुलिन जेंडर मतलब ये होता है ओनली मेल, जो सिर्फ मेल को डिनोट करती हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर. जैसे कि राम बॉय, फादर किंग, कॉक, ईटीसी. फेमिनिन जेंडर मतलब जेंडर का वह पार्ट है जिसमें सिर्फ फीमेल के बारे में डिनोट करता है, फीमेल. फॉर एग्जाम्पल सीता गर्ल, क्वीन, हेन, एटीसी. यानी राम सीता हो गया, बॉय गर्ल हो गया, फादर क्वीन हो गया, किंग क्वीन हो गया, फादर मदर हो गया. इस तरह कॉमन जेंडर में ऐसे जेंडर पढ़ते हैं जिसमें किसी मेल या फीमेल का ना होकर दोनों को डिनोट किया जा सके. जैसे कि दोनों को डिनोट किया जा सके क्या समझते हैं? जैसे कि पेरेंट्स वर्ड बोलू तो पेरेंट्स आमा बूबा यानी माँ बाप दोनों आ जाएगा. पर्सन जैसे कि ड्यूटियर जेंडर एक विदाउट मतलब विदाउट लाइक नॉन समझ के बोला जाए तो नॉन ऐसे यूज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर कर सकते हैं विद अ लाइक और इंसेक्ट के लिए. जैसे कि गोल्ड एग्जांपल में गोल्ड मिल्क ये नॉन लिविंग थिंग्स है. जैसे कि एंट रॉक ईटीसी. एंड आइए कुछ ग्रामर नोट के बारे में पढ़ते हैं. न्यूट्रल जेंडर के साथ हमेशा इट का यूज होगा. हमारा अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा इट का यूज होगा जो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है. और कलेक्टिव नाउन लिविंग थिंग्स हो अगर तो वो भी न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि आर्मी न्यूट्रल जेंडर होगा. ठीक है, हर्ड भी न्यूट्रल जेंडर होगा, फ्लॉक भी न्यूट्रल जेंडर होगा, स्वर्ण
न्यूट्रल जेंडर होगा। और कॉमन नाउन हमेशा फोर जेंडर में होते हैं, जैसे ट्री, ट्री एक न्यूट्रल जेंडर है, बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर है, गर्ल फेमिनिन जेंडर है, पेरेंट्स पेरेंट्स दोनों है, यानी कि कॉमन जेंडर है ये। यानी कि हमारे जो कॉमन नाउन होते हैं वो चारों जेंडर में कहलाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं कि ये सिर्फ तीन जेंडर में गिनती होते हैं, जैसे कि जनकपुर, जनकपुर एक प्रॉपर नाउन है जो सिर्फ न्यूट्रल जेंडर में होगा, राम मैस्कुलिन और सीता फेमिनिन। आइए तो जानते हैं कि मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाएं। जैसे कि चेंजिंग वर्ड्स मतलब वर्ड्स को परिवर्तन करके, उसको चेंज करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बॉय एक मैस्कुलिन है जिसे हम गर्ल कह सकते हैं। एग्जांपल में जैसे फादर, फादर को हम एक मैस्कुलिन जिसे हम मदर कह सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे वर्ड को चेंज करके उसको मैस्कुलिन को फेमिनिन बना सकते हैं। उसी तरह एडिंग समथिंग ई डबल एस, ई डबल एस जोड़ के, जैसे कि एक्टर, तो हम इसमें एक्ट्रेस डाल सकते हैं, जैसे लाइन, लाइनर्स डाल सकते हैं, लाइन्स। उसी तरह साइड द वॉवल फ्रॉम द लास्ट लेवल एंड एड ई एस, जैसे कि ऑथर, इसको हम ऑथरेस दे सकते हैं। उसी तरह चेंजिंग बिगनिंग एंड एंडिंग वर्ड्स, शुरू और लास्ट के चेंज करके, जैसे कि गर्लफ्रेंड, उसको हम बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, उसी तरह उसे वुमेन सर्वेंट कह सकते हैं। गर्लफ्रेंड उसे बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, मैन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट, जैसे पी कॉक मयूर, उसे हम पी हैन कह सकते हैं। इसी तरह हम मैस्कुलिन को जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जेंडर टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें कमेंट में, डाउट हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।